लुकमान ने मुझे ऑफ़र किया है कि मेरे साथ बाज़ार चलो और जो मर्ज़ी खा लो, तो अब पता चलेगा वहाँ जाकर कि क्या खिलाते हैं ये। मैंने अपनी मर्ज़ी का खाना है, ठीक है? ठीक हो गया, डन हो गया, डन। लुकमान भाई की किस्मत अच्छी है कि मैंने खाना खा लिया है, कुछ ना कुछ तो इसका लुएंगे, इसके पल्ले से कुछ ना कुछ तो खाएंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे इसको। तो बस दोस्त मुझे ये है कि मैंने खाना खा लिया है। चले भाई, अब आप जो लेना है आपने ले लेना ना, मैंने आपको मना किया है, ठीक है? वो हम रात को खा लेंगे। चलो चलो ठीक है, ठीक है। रात को तो भूख लगती है आपको, पता है ना? ये तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा तो है ना कि हमें रात को भी भूख लगती है। चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं आप जी, गुजारा करते हैं। भाई के पास पैसे आए ना, वो कहते हैं जो मर्जी खा लो, तो माल काफी आया हुआ है इसके पास, इसीलिए ना बार बार मुझे कह रहे हैं कि जो उड़ाने को दिल कर रहा है भाई, जो सी सीधी बात है, ठीक है? ऐसे हम लोगों ने कभी तंग दिली का गुजारा किया है। पैसे सेव करो यार, पैसे भी बैंकों से कुछ नहीं मिल नहीं रहा, बैंकों से ज्यादा मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं रखने नहीं है, लेके जाओ। अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ नमाज हो गई है असर की, अभी जान हुई है तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम देसी लोग फैमिली, आज सारा दिन क्वारंटीन में गुजरा है मेरा, पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलते हैं, तन्हाई में गुजरा, अकेला ही रहा हूँ। पहला दिन है कि मैं घर में महदूद रहा हूँ, जैसे कि हुकूमत ने बताया एहतियात के लिए। सूर में मैं पढ़ रहा था कि एक केस आया अभी, उसकी भी डेथ हो गई क्वारंटीना की। क्वारंटीन में रहना बहुत ही मुश्किल काम है, होए होए ऐसे लग रहा है कि जैसे जान ही नहीं है जिस्म में, और ऊपर से ये मौसम भी दोबारा से सर्द हो गया है। 31 मार्च है आज, तो मौसम सर्दी मतलब जाने का नाम भी नहीं ले रही, गर्मी का मौसम अभी नहीं आया, इतना होना चाहिए था। ये जो पीछे मस्जिद है, इस मस्जिद में किसी दौर में मैं जमात भी करवाया करता था, मुझे मौलाना साहब कहा करते थे। ये कोठी वाली मस्जिद है, तो अब अंदर ताला लगा हुआ है, पता नहीं क्या मस्जिद है, क्यों ताला लगाया हुआ है, वैसे हर वक्त ये ओपन ही रहा करती थी पहले। काफ़ी मुश्किल हालात और टाइट हालात चल रहे हैं, हमें जितना हो सके अपने आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी बर वक्त खाने पीने की अशिया मुहैया करनी चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत है। ये जो जगह जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, पहली बार आया मैं भी, वो दरवाज़ा उन्होंने तोड़ दिए, पहले ये दरवाज़ा था, इस पर डोर था, अब दरवाज़ा नहीं है इसका। गेस्ट हाउसेज ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे चूल्हा है। छुआ मद्दम, सूरज मद्दम ही है सुबह का ही, हल्की हल्की हवा, ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी जा नहीं रही, आ रही है। ये वाली जगह जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, अवैस भाई को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, यहाँ पर सूखी लकड़ी पड़ी हुई है, इस पर आसपास घास वगैरह मौजूद है, तो सीन काफ़ी अच्छा लग जाता है, तो उसे ज़ाती तौर पर ये वाली जगह बहुत पसंद है। पीछे कुदरती तौर पर ये पार्क बना हुआ है। नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली है, तो अभी मैं वापस घर की तरफ निकलने लगा हूँ। रात को ये सीन ये हुआ कि हमने खबरें सुनी कि कसूर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो रहा है, ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं वो और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे,
पहले हुकूमत ने कहा था कि ग्रोसरी स्टोर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, तो बाकी चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन रात को कसूर में और खुड़िया खास में भी मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर बंद करवा रहे थे, तो जल्दी जल्दी जाकर मैं और लुकमान भाई मेडिसिन वगैरह जो भी लेनी थी वो ले आए। रात को तकरीबन हम 9 बजे गए, 8-9 बजे। ये ब्लैक और सुर्ख रंग पश्तूत लगे हुए कॉलेज में है पश्तूत, हम तो नहीं पहुंच सकते इस पे। अच्छा ही है अभी, और ये आगे भी पश्तूत है। ये वाला रेला निकाला है हमने भाई लुकमान का, बारिश भी हुई हल्की हल्की थोड़ी देर पहले। तो आपका क्वारंटीन कैसा रहा? मेरा यार आज का क्वारंटीन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं सुबह से सोया हुआ हूँ, अभी उठा हूँ। तो रात को क्या करते? रात को भी सोते हैं। रात को 12-1 बजे तक आपके साथ व्लॉग एडिट करते हैं, तो नींद नहीं आती। जल्दी सो गए थे रात को, झूठ ना बोलो आप। तो अभी हम करवाने जा रहे हैं बैलेंस, तो फिर वापसी होगी दोबारा। पीछे की सूरत हाल चेक करो, कंटेनर डेज चलते पे, चंगा कर्फ्यू लगा है। इतने सारी वहां हो लगी फिर थी कुड़िया ने, कसूर किसी हद तक कंट्रोल है, लेकिन इतने कुड़िया की नहीं है, हर जगह बड़िया खुली हुई है, दुकान ही खुली है, हर जगह खुली है, इतने की करे। ये मेन रोड की सूरत हाल है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ट्रैफिक चल रही है, जरूरत से ज्यादा ही चल रही है। और ये बाइक चला रहे हैं, काफी खतरनाक किस्म की बाइक चला रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है इसके पीछे। इस वक्त हम मौजूद है यासीन पार्क, अगोश सिटी पार्क के बीच, असा लेने आया झूठे, घर बैठ बैठ के बोर हो जे, आ गए ना पुलिस उतो लेने लित्र। कोई नहीं यार, पै जाना कोई मसला नहीं है, वैसे एक बार पै पै के लम्बे ना थके हुए, तो साढ़ा रादा इसमें झूले ले लिए। मैं कभी झूले नहीं लाए यार, वैसे ना मेरा बड़ा दिल कर झूले लैन, कितने लाई और उतने लेने यार। लो जी मैं लैन लगा झूले आ जाए, इतों लो पवे इतों लो, ठहर जाओ फिर एक मिनट। मोटरसैकल भाई कम पुठे ने, एक तो हो गया इन्हों का झूला, वो देखो ना भाई पहले उन्हें तार लाई, फिर तार थोड़ी फटी थी सलवार पेंट, सॉरी चंगा गारंटी दे चलते पे ने। हाय ओ कैसे पे चलिए, ओए निकलो। बहुत प्यारा बना हुआ है यार, छोटा सा है, तो अभी वापसी की राह ले रहे हैं। What the hell is going on? ये भाई पकाना बना रहा है, मैं पकाना कोई कलर नजर है देखो, ए पकाना बनाना पे तू बड़ी गल है भाई, छोड़ दे ये उठ पे तो और छट गा रील। दुकान का शटर हाफ खुला हुआ है, हाफ बंद है,
और मैं अंदर छूकर आ गया हूँ बर्गर खाने के लिए। वैसे मैं दूध लेने आया था, मैं और लुकमान भाई, ये दूध लिया 3 किलो, 100 रुपये का 2 किलो दे रहे हैं, हमने लिया 3 किलो 150 रुपये। ये देखें जी मोर भैया जो था, ये अब गोलगप्पे बेचने लग गए हैं। करारे गोलगप्पे तो मर्चा तो सुखियां रोटियां तो। मुर्तजा भाई का कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए मुर्तजा भाई ने चैनल वाला काम छोड़ के गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए। रेडी है, हाँ अजकल गोलगप्पे आने रेडी है। Enjoying some Golgappas and as well pulas.